नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं YouTube के इस चैनल एजुकेशन निकेतन में। आज मैं CDPO के द्वारा आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के सेट सी का सॉल्यूशन आपके सामने देने जा रहा हूं। अगर इस सॉल्यूशन में किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपको आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में आप अगर आपके पास कोई सोर्स हो तो सोर्स के साथ मेंशन करें। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैक्सिमम उत्तर सही हो, लेकिन कुछ उत्तर ई ऑप्शन देने के कारण विवादित हो जाते हैं, जिनका कि उत्तर जब तक आयोग के द्वारा आंसर की जारी नहीं की जाती है तब तक डेफिनेट कर पाना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है। तो रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है वो ऊपरी हिस्से में है और बाल्टिक सागर पे स्थित है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है। तो ससेन छोड़ के बाकी तीनों जो प्रदेश हैं वो मदरा के लिए फेमस हैं, अर्थात दो का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नाबीबिया के तट पर चलने वाली जो हवा है वो बेंगलुरु की धारा है, अर्थात बी। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो कुर्द है, तो फोर्थ का डी। ब्राज़ील के पठार के घास के मैदानों को कंपोस्ट का के नाम से जाना जाता है, अर्थात राइट आंसर बी है इसका। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, अर्थात सिक्स का राइट आंसर डी है। सेवन है कि थार मरुस्थल सिंचाई करने वाली इंदिरा नहर का उद्गम स्थान क्या है। तो हर के ब्राज इसका उद्गम स्थान है, तो सेवन का सी। एट, भारत में निम्नलिखित में से क्षेत्रों में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो बाकी सब में तो पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पे नहीं पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट पे। इसके बाद जो इंद्रावती सबरी है वो गोदावरी की सहायक रिवर है, तो नाइन्थ का बी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। तो इसमें लगभग सब है, तो इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। एलेवन, मणिपुर के मध्य घाटी में संकेन्द्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई, तो अर्थात 11 का राइट आंसर ए है। 12, तो इसका तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो एससी की डेंस परसेंटेज है वो पंजाब में है और एसटी का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो लक्षद्वीप में है, तो 12 का सी। जो जवाहर सुरंग है उस वो बनिहाल दर्रा के नज़दीक है, तो 13 का बी। चौदह का राइट आंसर बी या ई होना चाहिए, ये आयोग पे छोड़ देते हैं 14 प्रश्न को। इसके बाद जो 15 प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में लिटरेसी की कम रेट जो है उसमें भारत जो बिहार का पोजीशन है वो 36 है, यानी 15 की जो राइट आंसर है वो बी है। सिक्सटीन का सी, 17 का बी, क्योंकि जरदालू आम, मघई पान और कतरनी राइस तीनों को जीआई टैग मिला था इसी साल। आपको पता है कि सोनभद्र अमरकंटक से निकलती है। सबसे ज़्यादा संथाल ने गोंड ने और ऑर्गेनिक कॉरिडोर के लिए तराई बेल्ट और बनाए गए, तो सॉरी जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर है वो गंगा रिवर के जो बेल्ट हैं उसको बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद भारत के संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया।
तो भारत का संविधान जो है वो भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया। तो 21 का जो राइट आंसर है वो सी है। 22 का राइट आंसर जो स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की भावना है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है। तो 22 का राइट आंसर बी है। 23 निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में वर्णित करती है। 24 संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है। 25 हिंदी के बारे में जो उसके सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है वो 343 है। 25 का सी। 26 का 6 मंथ होता है, एक बार में 6 मंथ तक ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है, उसको इंडेफिनिट टाइम तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जो उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 27 का ए। और भारत का व्यय जो है वो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो 28 का डी जो है वो राइट आंसर है। जो PIL है वो इंडिया में आपको पता ही है कि USA से लिया गया है। इसके बाद अगर किसी को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जो अमेंडमेंट है संशोधन वो 20 भाग के 368 आर्टिकल में है। 33 के सी। भारतवर्ष की रक्षा के सुप्रीम कमांडर जो है भारत का राष्ट्रपति होता है, बी। और भारतवर्ष में कौन से विनिमय दर व्यवस्था है? तो सोने के मानक सहित नियत विनिमय दर और नियत परंतु समुजय विनिमय दर। तो जो 33 का राइट आंसर है वो ए है। इसके बाद 34 जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बी है। जो 35 आपकी जो प्रश्न है तो आपको पता होना चाहिए कि RBI जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है वो बाई मंथली करता है। तो इसका राइट आंसर है ए 35 का। जो 36 प्रश्न है तो भारत में अभी भी WPI का यूज किया जाता है। जो 37 प्रश्न है कि क्या अगर बैंक उधार दर की गणना किस आधार पर की, नई प्रणाली के अनुसार बैंक उधार दर की गणना किस आधार पर की जाती है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए अर्थात धन की औसत, सॉरी 37 प्रश्न का राइट आंसर धन का सीमांत व्यय जो है उस बेसिस पे होता है। इसके बाद 38 में सारे हैं तो इसमें ई होने चाहिए। इसके बाद 39 तो जो 39 है उसमें अगर जो विदेश प्रश्न में कहता है कि देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए अगर जो टूरिस्ट आते हैं तो उसको हम आर्थिक किस गतिविधि में इंक्लूड करेंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार UPSC ने बहुत पहले पूछा था तो उसका आंसर उन्होंने एक्सपोर्ट दिया था। तो उस हिसाब से इसका डी होना चाहिए 39 का। 40 का जो है उसका राइट आंसर बी है। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में आता है और उसको रेवेन्यू इफेक्टिव जब हम निकालते हैं रेवेन्यू इफेक्टिव डेफिसिट तो वहाँ पर उस चीज़ को मेंशन करते हैं। 41 जो है आपका उसका राइट आंसर सी है। पब्लिक अकाउंट में जाता है ना कि वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। और 42 का राइट आंसर सी है। फोर्टी है कि राजस्व ट्रस्ट कर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि GST से पहले और अब, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें उसके डिफिनेशन के अनुसार से तो दिए गए ऑप्शन में ए जो है उसको सही तरीके से परिभाषित करता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ए। इसके बाद 44 जो है उसका राइट आंसर है डी। जो क्रॉप ईयर होता है वो 1 जुलाई से 13 जून तक होता है। आप बिहार में जो 2011 की सेंसस है उसके अकॉर्डिंग बिहार का पोजीशन तो आपको पता ही है, थर्ड पोजीशन है। इसके बाद 46 का राइट आंसर है बी। सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है बिहार में पटना से भी ज़्यादा लिटरेसी रोहतास डिस्ट्रिक्ट की है और वह है 75.59%। और इसका जी एंड तो बी इसका राइट आंसर है 47 का। 48 क्वेश्चंस का राइट आंसर ए है, बक्सर जिला राजपुर। 49
रामचंद्र सिन्हा जो है सुधा कोऑपरेटिव के फाउंडर माने जाते हैं। और 50 जो आंसर है कि बिहार में लीची का उत्पादन, तो लीची का उत्पादन अप्रॉक्स 40% होता है और दिए गए ऑप्शंस में डी तक कोई भी 40% नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई होना चाहिए। और बचे हुए मैं टोटल 150 क्वेश्चन हैं, तो मैं पार्ट वन में 50 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, पार्ट टू में नेक्स्ट 50 और पार्ट थर्ड में मैं 100 to 150 करूँगा। आपसे अनुरोध है कि कोई भी यूट्यूबर का जो वेतन होता है वो आपके द्वारा जो सब्सक्रिप्शन किया जाता है, लाइक किया जाता है, वही होता है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।